दोस्तों 15 अगस्त 2020 को हमारे देश का 74वां स्वतंत्रता दिवस उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। हालांकि कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के डर के बीच इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया और साथ ही मौजूद सभी व्यक्तियों ने फेस मास्क का इस्तेमाल भी किया। दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ओपीएस नेगी द्वारा ध्वजारोहण कर की गई। इसके बाद राष्ट्रगान और देशभक्ति नारों से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। और इस मौके पर प्रोफेसर आरसी मिश्र द्वारा विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कार्य में कुशलता लाकर आगे बढ़ने की बात कही गई। कभी कभी कठिन परिस्थितियां होती हैं और वर्तमान में भी इसी प्रकार की परिस्थिति व्याप्त है, लेकिन इनसे निखर कर ये एक हमारा सदियों का प्रमाण है कि हम हमेशा और अधिक अच्छे हुए हैं और अधिक प्रभावशाली हुए। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक मुझे याद आ रहा है, बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृति दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्म सुकौशल। ये हमारा की वर्ड होना चाहिए कि कार्य में कुशलता स्थापित करने का जितना भी हम भरसक प्रयास करेंगे उतना ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। कठिनाई में भी कार्य की कुशलता को त्यागना नहीं है और जब सामान्य जीवन है उस समय भी कार्य की इस कुशलता को बनाए रखा जाए तो निश्चित रूप से हम और अधिक प्रभावी रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं किसी भी रोल में हो। अपनी भारत माता के प्रति दिलों में श्रद्धा, आदर और समर्पण की भावना रखने को प्रेरित करते हुए आप हैं प्रोफेसर H.P. शुक्ला। श्री राजा राव जी को पढ़ रहा था और राजा राव जी इस राष्ट्र के बारे में, इस देश के बारे में जो कहते हैं, वो कहते हैं कि ये मेरी माँ है, बहुत सुंदर है और एक मिस्ट्री है, एक जिसके बारे में अनिर्वचनीय है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये ऐसी है मेरी माँ। लेकिन मेरे माँ के पास आँखें हैं, बहुत सुंदर आँखें हैं और वो सब कुछ देखती है, सब कुछ महसूस करती है और अपने बच्चों को हर चीज़ से, धन धान्य से, हर प्रकार से, ज्ञान से वो भर देती है। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर डॉक्टर M.M. जोशी ने स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों का स्मरण करते हुए अपनी बात कही। लेकिन स्वतंत्रता हमने 1947 में 15 अगस्त को प्राप्त कर ली थी और लाखों नौजवानों ने, हजारों नौजवानों ने इसमें अपनी आहुति दी थी और 20वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में फिर ये स्वतंत्रता के लिए संघर्ष बढ़ने लगा था। पहले तो डोमिनियन स्टेटस वगैरह की हम मांग करते थे और लेकिन धीरे 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 कुछ इस तरह की घटनाएं होती रहीं अंग्रेजों के साथ कि हम लास्ट में पूर्ण स्वतंत्रता की ओर मांग करने लगे और अंग्रेज भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतने परेशान हो गए थे कि वो विश्व भर में अपना राज्य साम्राज्य को स्थापित रख पाने में असमर्थ हो गए थे और अंत में आकर के भारतीय जोश, नौजवानों के जोश को देखते हुए और नेतृत्व को देखते हुए अंत में उन्होंने 1947 को मजबूर होकर भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी। इस मौके पर प्रोफेसर गोविंद सिंह ने विश्वविद्यालय कार्मिकों को अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों को समझकर आगे बढ़ने को प्रेरित किया। कठिन परिस्थिति की तरफ हम लोग हैं और ये पता नहीं कि ये स्थितियां कब ठीक होंगी।
चलो युद्ध की स्थितियां तो फिर भी हो सकता है कि बातचीत से और एक डायलॉग से कुछ न कुछ कूटनीतिक पहल से हल हो सकती है, लेकिन जो महामारी की स्थिति है उसका अभी तक भी कोई सही तरीके से इलाज जो है वो नहीं निकल पाया है, तो वाकई कठिन है। और इसलिए हम लोग कठिन दौर में हैं, तो इस परिस्थिति में किसी भी तरह से हम लोग को फिलहाल तो ये हर आदमी यही पूछता है कि कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा। और इसको न सोचते हुए इसके बारे में हम लोग जो है किसी तरह से इस समय को भी निकल जाएगा करके इस भाव से आगे बढ़ते रहें। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन की जो हमारी फिलोसॉफी है उसके आधार पर हम अपने कर्म में रत रहें और आगे जो है बढ़ते रहें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विश्वविद्यालय की वित्त नियंत्रक आभा गर्खाल ने मौजूद सभी लोगों से विश्वविद्यालय और विद्यार्थियों के हित में काम करने की बात कही। जैसा कि हम सब देख रहे हैं इस समय जो वर्क जो कार्य हम लोगों की जो कार्यशैली है उसमें बहुत शिथिलता आ गई है, फिर भी हमें ये कोशिश करना है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से इतर जो भी हमें जो कर्तव्य और दायित्व है उसका हम ईमानदारी से हम उसका निष्पादन करें। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि थोड़ी सी दिक्कत तो हो रही है इधर जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें बहुत थोड़ी सी एडजस्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, फिर भी हम ये उम्मीद करते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे और विश्वविद्यालय के हित के लिए जो भी हम लोगों से हो पड़ेगा वो हम करेंगे। शहीदों को स्मरण करते हुए विश्वविद्यालय की उपलब्धियां प्रस्तुत करते आप हैं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर OPS नेगी। यूनान मिस्र रोमा मिट गए जहां से, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये जमुन हमारे अंदर रहे, अपने देश के प्रति हम समर्पित रहें, अपने कार्य के प्रति हम समर्पित रहें, तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य ही होना चाहिए। आज देखिए कोरोना काल में विश्वविद्यालय की प्रामाणिकता बढ़ी है, विश्वविद्यालय की स्वीकारता बढ़ी है। जो लोग ओपन यूनिवर्सिटी को नहीं पूछते थे आज ओपन एंड डिस्टेंस के नाम पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय जैसे उसमें भी वेबिनार में हमारे UGC के चेयरमैन आते हैं और हमारी प्रशंसा करके चले जाते हैं कि हमारे कुलपति आवास के DPR भी पास हो चुकी है, 12 शिक्षणेतर कर्मचारियों के क्वार्टर भी पास हो चुके हैं, मल्टीपर्पज हॉल की DPR पास हो चुकी है, गेस्ट हाउस की DPR पास हो चुकी है, MPDD हॉल प्रतीक्षारत है उसकी DPR अब आगे वाले में जब भी होगी पास होने वाली है। तो जहां कोरोना काल में कहीं कुछ नहीं मिला वहां हमारी उपलब्धि रही है। 12B के मानकों में हम लोग एक एक कदम पीछे रह गए हैं और हमारी उस पर रिक्वेस्ट पे 12B के मानकों में भी संशोधन विश्वविद्यालय आयोग करता जा रहा है। अभी पत्र नहीं मिला है लेकिन उन्होंने कहा कि हम इनमें कुछ शिथिलता दे दी गई है। NEC की टीम के लिए माननीय मिश्रा जी के अध्यक्षता में जो कमेटी है उसने पूरा अपना कार्य कर दिया है और हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय के कुलसचिव भरत सिंह द्वारा भी विश्वविद्यालय की कुछ उपलब्धियां सभी के सामने रखी गई। जो भी उपलब्धियां रखी विश्वविद्यालय की वो बहुत ही सराहनीय है, अति उत्कृष्ट है। पूरे राज्य में किसी भी विश्वविद्यालय ने इतने कम समय में इतनी अधिक प्रगति नहीं की है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पास हो चुका है, कुछ हमारे वेटिंग में है वो भी जल्दी पास हो जाएंगे। कि इतने कम समय में हमारे विश्वविद्यालय ने उत्तरोत्तर वृद्धि की हुई है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए युद्ध में वीरता का परिचय देने वाले वीरता सम्मान से सम्मानित सैनिकों का शौर्य दीवार पर स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।
कार्यक्रम के अंत में पर्यावरण संस्कार के तहत विश्वविद्यालय कार्मिकों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। दोस्तों, इसी के साथ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आयोजित 74वें स्वतंत्रता उत्सव की रेडियो रिपोर्ट संपन्न हुई। और अब अपने दोस्त अनिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज़।